नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरा इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं कि जो टॉपिक है थंबनेल का और डिस्क्रिप्शन का और जो टाइटल का और कितने नहीं तो जो वीडियो रिलेटेड थंबनेल में क्लिक करके आए होंगे उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उस टॉपिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन उस और रिलेटेड वीडियो वाला जो आप लोगों ने क्लिक किया उसके जरिए आपको मिलने वाला है और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो आपका साइट का जो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन में रख लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी रिलेटेड अपडेट जैसे कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आपका iOS, आपका सॉफ्टवेयर और आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको सबसे पहले मेरे पास पहुंचे। इतना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जो आपका इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स का जो आपका जैसे कि आपका इनकम टैक्स कट ऑफ करता है, आपको उसका ई फाइलिंग करना होता है, उसका आपका ID पासवर्ड पता नहीं होता है तो उसको आप कैसे पता करें बोल के आपको सबसे पहले आपको गूगल या तो क्रोम पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम टैक्स सर्च करना है। इनकम टैक्स करने के बाद यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे एडमिन पर्सन का लोगो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे राइट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आप पहले से है तो रजिस्टर करना होगा, नहीं तो आप अगर आपका ITR पहले भी भरा चुका है तो आपका ID पासवर्ड ऑलरेडी बना होता है एजेंट की तरफ से। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और अदर यूजर ID बोल रहे हैं। यहाँ पे पैन कार्ड इंटर करना होगा। यूजर ID हमेशा आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड नंबर। उसके बाद आपको ये पैन कार्ड नंबर सभी कैपिटल, आगे का 5 डिजिट, उसके बाद 4 डिजिट न्यूमेरिकल। उसके बाद आपको एक लेटर होता है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पासवर्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे नीचे फॉरगॉट पासवर्ड में इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा यूजर ID डालना है। यूजर ID हमेशा पैन कार्ड होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आता है। एक आता है यूज ई फिलिंग OTP, जो आपका ई फिलिंग के टाइम OTP आता है उसके जरिए, और आपको अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो अपलोड करके, और दूसरा आता है आपका ऑन OTP ऑन मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल नंबर है उसके थ्रू से। अभी हम आधार कार्ड में मोबाइल लिंक वाला से जा रहे हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP 2 ऑप्शन आता है। एक आई हैव ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल, मतलब जो आपने कुछ देर पहले इसके OTP पाया था उसके जरिए, या तो आप जनरेट OTP करिए अगर न्यू के लिए, अगर आपके पास OTP नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे एग्री कर देना होगा वैलिड में आपको जनरेट अदर OTP। उसके बाद आपको जो लिंक वाला मोबाइल नंबर होता है उसमें आपको OTP आ जाता है। वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आपको जो OTP आता है OTP यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको सेट न्यू पासवर्ड आता है। पासवर्ड में हमेशा सेट करते टाइम में आपको जैसे कि 4-5 अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट के आगे मतलब कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल, जैसे कि किसी का नाम राम है तो RAM@95 या तो 1998 जो भी रख सकते हो,
जैसे कि मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका पासवर्ड आपको दो जगह में सेट न्यू और कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब पासवर्ड मेरा पहले भी सेम यही था, इसीलिए दूसरा डिफरेंट रखो बोल रहा है। अब मैंने पासवर्ड डिफरेंट रख के दिखाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली मतलब ट्रांजेक्शन आईडी योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली बोलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैसेज भी आ जाता है यू फिलिंग तरफ से। उसके बाद प्रोसेस टू लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो एंटर करें यहाँ पे लॉगिन पे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अब यहाँ पे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है जो आपने अभी न्यूली क्रिएट किया था पासवर्ड वही। उसके बाद आपने जो अभी पासवर्ड इंटर किया था वो डालने के बाद अभी कंटिन्यू पे करना होगा। जैसे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने जो इनकम टैक्स नहीं भरा हो तो ऐसे वाला आ जाएगा, नहीं भरा मतलब आजकल यहाँ पे डायरेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में उसके बाद आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड में क्लिक करना होगा। दोस्तों आप लोगों ने शुरू से अंत तक जो देखने में साथ दिया और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फैमिली दोस्तों और साथ शेयर करिए। और आप लोगों को कैसे और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि फ्यूचर में मैं आप लोगों को वैसा ही वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है वो कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।